7 दिसंबर को होगा तेलंगाना में असेंबली इंतखाब, जिसकी तैयारी हर सियासी जमात हर तरह से कर रही है। इसी इंतखाब को लेकर टीआरएस पार्टी की जानिब से निकाली गई एक बड़ी रैली, जिसमें साबिक आईटी मिनिस्टर केटीआर के अलावा हजारों की तैदाद में नजर आई आवाम। अंदर जाकर बैठिए, खातिन से गुजारिश है कि वो अंदर जाकर बैठिए। जय टीआरएस, जय एमआईएम। ट्रैफिक को जाने दीजिए साहब, प्लीज। ये क्या, जैसे कि आप जानते हैं शाहीन नगर यमा यमा ऑफिस के अंदर मीडिया वाले की गाड़ी, मीडिया वाले की गाड़ी उसे गाड़ी में बैठी है। आप लोग जाते ही एक शेर विचार कर रहा हो, कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हसन खालिद साहब, उमर खान साहब, आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, खास करके हमारे माँ बहनों से गुजारिश कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ के परचम को लहराए देख रहे हैं, एमआईएम और टीआरएस के परचम है, हम दोनों आपके सामने रखना चाह रहा था। पिछले 4 सालों में केसीआर साहब की हुकूमत जब से आई है, तेलंगाना रियासत जब से बनी है, आप तमाम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, मैं आप तमाम से गुजारिश, जो है महेश्वरम कांग्रेस जी को, केटीआर साहब